एक्सरसाइज 13.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमने सॉल्व कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। ठीक है, रश्मि के पास एक क्या था, रोड मैप का, रोड मतलब रोड का मैप था जिसने जो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करा था 18 किलोमीटर को। इफ शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, अगर वो 72 किलोमीटर तक उसने ट्रेवल करा तो जो मैप होगा, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, तो मैप में उसने कितने डिस्टेंस कवर करा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा मैप होगा, कोई भी जो हमारा मैप होता है उसमें जो डिस्टेंस हमारी रियल में दे रखी होगी वो स्मॉल डिस्टेंस होगी हमारी। यानी कि अगर जो रियल में कोई डिस्टेंस अगर 18 किलोमीटर है, रियल में वो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, तो मैप में उसे रिप्रेजेंट करा था 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो जिसमें जो हमारा टेबल बनेगा उसमें एक साइड क्या आ जाएगा, जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है यानी कि जो हमारी रियल की डिस्टेंस थी एक्चुअल डिस्टेंस, दूसरे साइड टेबल में आ जाएगा जो हमारी डिस्टेंस है मैप में। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारा इसमें टेबल बनेगा उसकी एक साइड क्यों जी हो जाएगी हमारी एक्चुअल डिस्टेंस, और दूसरे साइड हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, कि मैप में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस कवर इन मैप। जो एक्चुअल डिस्टेंस है किसमें गिवन है हमारे पास, किलोमीटर में, और जो मैप है मैप में वो डिस्टेंस हमारे पास है सेंटीमीटर में। मैप की डिस्टेंस है सेंटीमीटर में एंड जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमारी किलोमीटर में। तो पहला कितना है, फर्स्ट है हमारा कि 18 किलोमीटर के लिए, 18 किलोमीटर के लिए कितना डिस्टेंस है मैप में, 1 सेंटीमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, यानी कि 72 किलोमीटर के लिए मैप में कितना डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। जो एक साइड हो गई हमारा क्या, एक्स हम इसको डिनोट करते हैं, इधर वाला हम वाई से डिनोट करते हैं, तो ये इधर साइड की वैल्यूज क्या हो जाएगी, x1 x2, इधर क्या हो जाएगा हमारा y1 एंड y2। तो जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन मैप वो हमारा कहाँ से फाइंड होगा, जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला था, x1 upon y1 = x2 upon y2। वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 हमारा 18, y1 = x2 है 72, एंड y2 हमें फाइंड करना बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 × y2 = 72 × 1। यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी y2 = 72 डिवाइडेड बाई 18, या मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 18 72 / 18। तो y2 18 × 4 = 72, y2 की वैल्यू हमारी आ गई है 4। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो मैप की डिस्टेंस है वो हमारी सेंटीमीटर में, तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि जिसने 72 किलोमीटर ट्रेवल करा था एक्चुअल में, 72 किलोमीटर जिसने एक्चुअल में ट्रेवल करा, मैप में वो डिस्टेंस है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, एंड सेकेंड पार्ट हमारा द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन का मीनिंग देखो, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है इसमें, कोई हमारे एक पोल है यानी कि 50 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, इतनी हाइट का हमारा कोई एक पोल है, उसने शेडो जो उसकी पड़ रही है, उसकी शेडो कितनी कास्ट हो रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। फाइंड करना है फर्स्ट द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाई अनदर पोल, यानी कि दूसरा पोल है हमारा जिसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसने कितनी लेंथ की अपनी शेडो कास्ट करी, फर्स्ट पार्ट में हमें वो फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है कि द हाइट ऑफ पोल, इसमें हमें पोल की हाइट करनी है, पोल की हाइट फाइंड करनी है जिसके लिए शेडो हमें गिवन है 5 मीटर।
तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या क्या है, एक क्या हमारी हाइट ऑफ पोल, दूसरा क्या हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ शेडो कि शेडो की कितनी लेंथ हो रही है, और एक है हमारी हाइट ऑफ पोल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें टेबल बनेगा। एक सबसे पहले आ जाएगी हमारी हाइट, हाइट ऑफ पोल, दूसरा साइड हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, तो जो हमारी हाइट है पोल की 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ये हमारी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। इसको अगर हम टोटल सेंटीमीटर में चेंज कर दें, ये हमारा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको टोटल सेंटीमीटर में चेंज कर दें तो ये आएगा, वी नो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 मीटर हमारा हो जाएगा 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 5 मीटर कितना हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर के लिए। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, अब टोटल हाइट हमारी हो गई 560 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमारी पोल की हाइट थी सेंटीमीटर में हो गई हमारी 560 सेंटीमीटर। सेम ऐसे हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी हमारे पास ये दे रखे हैं 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। इसने जो हमारी हाइट थी पोल की, इसने इसकी शेडो की लेंथ कितनी आ थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस करके आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। फर्स्ट हमसे ये पूछा था कि हाइट ऑफ पोल जो हमारी 560 सेंटीमीटर थी, तो उसकी शेडो की लेंथ थी हमारी 320 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट जो हमें फाइंड करना था, इसमें फाइंड एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, दूसरा पोल है जिसकी हमारे पास हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये भी हमारे इतना ही हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50 1000 प्लस 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारी पोल की हाइट कितनी आ गई 1050 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे इस हाइट का हमारा पोल है उसके लिए कितना शेडो होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा पोल है हमारे पास 1050 सेंटीमीटर का, इसका शेडो की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला x1 / y1 = x2 / y2, x1 की वैल्यू, ये हमारा x1 हो गया एंड ये हमारा x2, ये y2, ये y1 एंड y2 हमें फाइंड करना है। x1 है 560, y1 320 इक्वल टू x2 1050 एंड y2 हमें फाइंड करना। क्रॉस मल्टीप्लाई 560 / y2 = 1050 × 320, इसको सॉल्व करेंगे y2, यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 1050 × 320 / 560, इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा हमारा, 8 4 = 32 8 7 = 56, y2 हमारा आ गया 1050 × 4/7। अब 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने टाइम्स होगा 7 × 7 7 5 = 35। ठीक है, तो 7 150 टाइम्स हो गए, तो y2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 150 × 4, यानी कि y2 हमारा आ गया
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू पूछी थी, यहाँ से वाई टू यानी कि जो हमारी हाइट ऑफ पोल थी 1050, तो इसके लिए हमारी जो शेडो की लेंथ आ गई, शेडो की लेंथ हो गई 600 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है, इसका जो अगला पार्ट है सेकंड, द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल, यानी कि पोल की हाइट कितनी फाइंड करनी है, पोल की हाइट कितनी है वो हमें फाइंड करनी है जिसकी शेडो हमारे पास 5 मीटर लॉन्ग होगी। तो सेम ऐसे अगर हम यहीं पे वो कर दें हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, और दूसरे साइड आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ शेडो। जो हमारी पोल की हाइट थी 560 सेंटीमीटर, उसके लिए लेंथ ऑफ शेडो थी 320 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल जिसके लिए इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन थे, ये हमारा क्या था x1 था और ये हमारा y1 है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3, ये आगे आगे ऐसे चलते रहता था। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। इसी में हमने क्या, पहले हमारे पास x1 y1 गिवन था, फिर x2 गिवन है, y2 हमने फाइंड कर दिया। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है, यानी कि जो ये वाली वैल्यू, अब हमें ये फाइंड करना है। ये भी हमारे किसके इक्वल है, जो हमारा फर्स्ट वाला रेशियो था, तो यहाँ पे हमने उसी से सॉल्व कर देंगे कि x1 इतना, y1 हमारे पास गिवन है, x2 अब हमें फाइंड करना है जब हमारे पास y2 इतना गिवन है। इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 560, y1 हमारा 320, इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है, y2 की वैल्यू है 500। यहाँ से x2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x2 मल्टीप्लाई 320 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई 500। x2 मल्टीप्लाई 320 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई 500। यहाँ से x2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी x2 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 320। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 32 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर से 8 टाइम्स, 8 4 जो 32, 8 7 जो 56, 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट में ये 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, यानी कि x2 की जो हमारी वैल्यू है वो आ रही है, x2 हमारा हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2। फिर से 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 2 5 जो 10, तो x2 की वैल्यू हमारी आ गई 35 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 875 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे x2 फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ पोल, जो हमारी हाइट ऑफ पोल थी ये हमारी आ गई 875 सेंटीमीटर। जो हमारा 875 सेंटीमीटर का हमारी पोल की हाइट थी, तो उसका जो शेडो की लेंथ थी 500, ये हमें फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर। हमारा कोई एक लोडेड ट्रक है, वो 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में, इफ द स्पीड रिमेन सेम, अगर उसकी स्पीड सेम हो तो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, तो 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसका टेबल देखो, इसका टेबल कैसे बनेगा, एक साइड हमारी आ जाएगी एक क्या 14 किलोमीटर, यानी कि एक साइड हमारा आ जाएगा डिस्टेंस, दूसरा हमारा हो जाएगा टाइम, वन साइड डिस्टेंस, दूसरी साइड आ जाएगा टाइम। 14 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में, टाइम मिनट में, 14 किलोमीटर में ट्रेवल करता है 25 मिनट, इफ द स्पीड रिमेन सेम, अगर सेम स्पीड यानी कि उसी स्पीड से अगर वो चले तो कितना वो ट्रेवल करेगा इन 5 आवर,
कितना ट्रेवल करेगा इन 5 आवर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मिनट में है टाइम, यहाँ पे जो हमारे गिवन है ये किस में, हमारा आर में। तो पहले हम इसको चेंज कर देंगे मिनट में, इसको मिनट में चेंज करें। वी नो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं हमारे, 60 मिनट। तो 5 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे, 5 × 60 मिनट। 5 आवर इक्वल टू 6 × 30, 300 मिनट। तो 5 आवर में कितने हमारे, 300 मिनट। तुम्हें फाइंड करना है जो 14 किलोमीटर चला, टाइम था उसका 25 मिनट, तो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा 300 मिनट में। ये एक्स वन हो गया, ये एक्स टू, वाई वन एंड वाई टू है हमारा 300 मिनट। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एक्स टू। फॉर्मूला एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू। एक्स वन है 14, वाई वन 25 इक्वल टू एक्स टू हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई वाई टू 300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 के साथ, 14 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू एक्स टू मल्टीप्लाई 25। एल टू एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स टू इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 300 डिवाइडेड बाई 25। इसको सॉल्व कर देंगे हम, 25 से 300 को डिवाइड कर दो, 25 से 25 वन टाइम्स होगा 25, माइनस करके आ जाएगा 5025, 2 × 50। ठीक है, 25 से कैंसिल करके कितना आ रहा है, 12। तो एक्स टू हमारा आ गया 14 मल्टीप्लाई 12, 14 12 जो होता है हमारा 168 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एक्स टू हमारा कितना आ गया, 168 किलोमीटर। 30 मिनट में, 300 मिनट में उसने ट्रेवल करा 168 किलोमीटर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था कि 300 मिनट में कितना ट्रेवल कर पाया वो, 168 किलोमीटर। ये हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम 13.2 स्टार्ट करेंगे।